गाजियाबाद में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। शामली में एक बदमाश पकड़ा गया। इटावा में इनामी बदमाश को धर दबोचा गया। सहारनपुर में वांटेड अपराधी गिरफ्तार हुआ। इन सब को सुनकर आपको यही लगेगा कि वाह, यूपी में तो वाकई राम राज आ गया है, जहां अपराधियों की खैर नहीं है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद भी यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो पुलिस की कैद से भाग निकलते हैं, सिपाहियों की जान ले लेते हैं। यूपी में पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यूपी को अपराध मुक्त बनाने की बात कह चुके हैं। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है। कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरते हुए आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में भी यूपी की कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि यूपी में जंगल राज हो गया है, जिसके बाद पूरे सदन में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो गया। ना ना ना, ना, ना जंगल राज कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं। यूपी में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया है। हर दूसरे दिन एनकाउंटर की खबरें आती हैं, लेकिन जैसे ही जेल से कैदियों के ऐशो आराम का वीडियो सामने आता है, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। ये मैसेज जाता है कि खूनखार अपराधी जेल से ही सत्ता चला रहे हैं। अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत की खबरें सामने आने लगती हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों पर सख्ती की थी, लेकिन उसका नतीजा जमीन पर नहीं दिख रहा। अधिकारी आंकड़ों में अपराध कम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि आंकड़े नहीं, नतीजे चाहिए।